नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आज फिर आपके सामने हाजिर हो गया। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये कोरोना जो हो गया है इसके अंदर अपने आप को कैसे मेंटेन करें, इसके अंदर क्या करें ऐसा, और ये कब तक होने वाला है। बहुत सारे सवाल लोग पूछते रहते हैं वीडियो के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ऐसे सवाल आते हैं। आज उसका इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले, परिवर्तन का दौर हमेशा रहता है। याद रखिए, कैसेट था, कैसेट चला गया, डीवीडी आया, डीवीडी चला गया, सीडी आया, सीडी चला गया, तवा चला गया, सब कुछ चला गया। ब्लैक एंड वाइट टीवी था, ब्लैक एंड वाइट चला गया, कलर टीवी था, कलर टीवी चला गया, एलसीडी चला गया, एलईडी चला गया, प्लाज्मा आ गया, और उससे भी अभी एडवांस स्मार्ट टीवी आपके घर में आ गए हैं। कितने सारी चीज़ें, बटन के मोबाइल थे, ये मोबाइल, वो मोबाइल, ये और फ्लैप वाला मोबाइल, सब कुछ बदल के आज एंड्रॉयड फ़ोन आप सामने लेकर आए। तो वो भी बिज़नेस तो बंद हुए ना, उनके भी बिज़नेस को प्रभाव पड़ा। उस समय भले ही कोरोना नहीं था, लेकिन किसी और चीज़ के माध्यम से उनके भी बिज़नेस को प्रभाव पड़ा। तो ये आपको मानसिकता बना के चलनी पड़ेगी कि ये तो होने ही वाला है। आज आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, कल ये शायद बिज़नेस बासी बन जाएगा। आज जो आप काम कर रहे हैं, कल वो काम बासी बन जाएगा। ये आपको समझ के ही चलना पड़ेगा, सोच के ही चलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने माइंडसेट को तैयार करना है। फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आना है, फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आना है। रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्योंकि कोरोना तो चला जाएगा, कोरोना के बाद फिर कोई ऐसी घटना हो जाएगी, कोरोना के बाद और कोई इसी तरह का कोई घटना हमारे साथ होती रहेगी। और इंसान है, इंसान के सामने हर संधि इसी तरह से समस्या बनकर आती है। जिस समस्या का आप अभी समाधान ढूंढ रहे हैं, और आप समाधान ढूंढते ही फिर बिजनेस में एक नया परिवर्तन आ जाता है। और ये होता ही है, ये होना ही है। तो आपको इसे स्वीकार करना है, अपने आप को एडजस्ट करना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, फिर आपसे मिलूँगा।